फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इस रेमेडी में बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार के इस्तेमाल से बहुत ही तेजी से गोरा और चमकदार बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। ज्यादातर बाहर रहने से हमारी स्किन का जो रंग होता है वो काला हो जाता है, और ये कालापन हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल के रूप से देखा जाता है, जो बहुत ही भद्दा नजर आता है। इसी भद्देपन को दूर करने के लिए आज का ये नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे एग की जरूरत होगी। इसके अंदर हम पूरा एग नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक व्हाइट ही ऐड करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे इस्तेमाल करने से आपके चेहरे से स्मेल आएगी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्मेल जो आती है वो अंडे के पीले भाग से आती है। एक व्हाइट ही हमें इसमें यूज करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसे जरूर यूज करिएगा। मैंने ये नुस्खा खुद ट्राई किया और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक क्लीन बाउल ले लेना है, फिर हमें चाहिए एक व्हाइट। तो एक व्हाइट मैं किस तरीके से ले रही हूँ आप वो देख सकते हैं, वरना तो आप अपने तरीके से एक व्हाइट निकाल सकते हैं। तो मैं एक व्हाइट इसमें निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक व्हाइट अलग कर लिया है। अब दूसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो बहुत ही खास है हमारी स्किन व्हाइटनिंग के लिए, वो है चावल का आटा। तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच चावल का आटा ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है टोमेटो जूस। हमें इसके अंदर 1 चम्मच टोमेटो जूस चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच टोमेटो जूस ले लेती हूँ। आप इसको ग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। हनी जो है हमें इसके अंदर 1/2 चम्मच ऐड करना है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर हनी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, 1/2 चम्मच हमने हनी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे टोमेटो जूस इसके अंदर ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको टोमेटो जूस ऐड कर लेना है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। स्किन व्हाइटनिंग फेस पैक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, 100% आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये फेस पैक तो बनके रेडी हो गया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये किस तरीके से लगाना है। इससे पहले आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको एक टोमेटो लेना है, इस तरीके से इसको बीच में से कट कर लीजिए 2 भागों में। ये देखिए, इस तरीके से जो हमने चावल का आटा लिया था इसके अंदर इस तरीके से टिप करेंगे। आपको फ्रेंड्स अपने फेस पर इससे इस तरीके से मसाज करनी है, इस तरीके से को इस पर टिप करते जाना है और अपने फेस पर मसाज करते जाना है। चावल का आटा स्किन को व्हाइटनिंग करने के लिए बहुत काम आता है, इसलिए हमें स्किन व्हाइटनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा चावल के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम में चावल के आटे का ही यूज होता है। फ्रेंड्स, इससे हवा का आप जब इसे अपने फेस पर लगाएंगे तो हमारे फेस के जो उनमें जितनी भी डर्ट भरी होगी वो क्लियर हो जाएगी और आपका फेस बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये आपको अपने फेस पर कम से कम 5 मिनट के लिए करना है, हल्के हल्के हाथों से। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने हाथ को वॉश करके आ गई हूँ, अब हमें इस फेस पैक को लगाना है। इस फेस पैक को आप अपने नेक पर, हैंड पर, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपको अपनी स्किन व्हाइटनिंग करनी है। इस तरीके से आपको इसे लगाना है और लगाने के बाद आप अपने फेस को 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर एग व्हाइट का इस्तेमाल किया है। एग व्हाइट इस्तेमाल करने से हमारे स्किन टोन जो होता है वो लाइट होता है। जैसा आपने देखा होगा, जब हम इसे अपने बालों में भी लगाते हैं तो हमारे बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनिंग हो जाते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप इसे लगा के देखिए अगर आप अपनी स्किन फेड चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे दोनों हाथों में अंतर देख सकते हैं, मैं यहाँ खुद अंतर देख पा रही हूँ। मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम हो गई है इसको यूज करने के बाद, और काफी हद तक फेयर भी हो गई है। दोनों हाथों में आप अंतर देख सकते हैं, मैंने जिस पे लगाया था और जिस पे नहीं लगाया था उन दोनों का अंतर देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, मेरी स्किन सच में बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो गई है, आप इसे जरूर यूज करिएगा, आपको भी इसका इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, प्लीज आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।